गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक के राइडर एचआर में। दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे जयगढ़ का किला। अभी हम आमेर के किले से जयगढ़ के किले की तरफ जा रहे हैं। जो आप ये रास्ता देख रहे हो ये जयपुर से जयगढ़ किले के बीच का रास्ता है। दोस्तों देखो बहुत ही बढ़िया रास्ता, साफ सुथरा रास्ता। और आज हम दिखाएंगे जयगढ़ का किला। जयगढ़ का किला जो उस समय के राजाओं के लिए, जो उसके हथियार तो गोला बारूद जो कुछ होता था वो जयगढ़ का किले के अंदर ही होता था। जयगढ़ किले में दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है, आपको दिखाएंगे दोस्तों चल के। वो जो ऊपर पहाड़ी पे दिखाई दे रहा है सामने, वो है जयगढ़ का किला। उसी किले से आमेर के किले की सुरक्षा की जाती थी, भाई उसके चारों तरफ। वहाँ आमेर के किले में राजा का परिवार, राजा सभी रहते थे, और यहाँ पर उसकी सैनिक सेना, गोला बारूद ये सब होता था भाई। बहुत ही बढ़िया किला दोस्तों, चलो चल कर आके देखते हैं। चलिए वो देखो सामने पहाड़ी के ऊपर है जयगढ़ का किला। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, बहुत अच्छा लगा ऐसे ऐसे रास्तों पर चल के। ये देखो दोपहर का समय है, बहुत ही अच्छा रास्ता। अरावली पर्वत श्रृंखला दोस्तों, ये जो ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, ये अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत की एक श्रृंखला है, वो है ये दोस्तों अरावली पर्वत। और जो ये जयगढ़ का किला है ना, ये चील का टीला नामक पहाड़ी है। ये चील का टीला बोलते हैं, अरावली पर्वत के ऊपर है ये, उसके ऊपर बसा हुआ है ये, उसके ऊपर बनाया गया किला। बहुत ही खूबसूरत किला दोस्तों, देखो नज़ारे देखो, नीला नीला आकाश, धूप खिली हुई, एक साइड पहाड़ी एक साइड खाई, बहुत अच्छा लगा दोस्तों ऐसे। ये दोस्तों एक रास्ता नारगढ़ का किला ये गया, और ये सीधा है जयगढ़ का किला। ये टर्न आता है दोस्तों रास्ते में। ये दोस्तों जयगढ़ का किला जो सामने पहाड़ी पर दिखाई दे रहा है, ये सामने अभी हम पहुंच गए हैं जयगढ़ के किले पे। वो सामने ऊपर रखी जयबाण तोप जो उसकी टीन के नीचे दिखाई दे रही है, वहाँ पर है जयबाण तोप, दुनिया की सबसे बड़ी तोप। अभी चल कर दिखाते हैं दोस्तों, ये पहुँच गए हैं हम। देखो जयगढ़ का किला,
ये इसका दोस्तों मैन गेट, यहाँ पर गाड़ी पार्क बुक करने के लिए ये है जगह, देख लो आप, ये इसका मैन गेट। अभी हम टिकट ले गए यहाँ से, अंदर चलते हैं और आपको सीधा दिखाएंगे। अब जय भानतो। ये है दोस्तों जय भानतो, ये देख लो भाई, ये है दुनिया की सबसे बड़ी तोप। इसी जयगढ़ के किले में मनाई गई है दोस्तों, ये इसी के कारखाने में मनाई गई तो भाई ये है, जिसका नाम है जयबान। ये देख लो भाई, जयबान इसका नाम है। 1720 ईस्वी में मनाई गई थी दोस्तों ये तो। और जो इसकी नाल की है ना, नाल दिखाई दे रही है ये, इसकी लंबाई 20 फुट और जो ये गुलाई है ये 8 फुट 7.5 इंच है, जो यहाँ लिखी गई है दोस्तों। और इस नाल का वजन 50 टन है दोस्तों। और जो ये नाल के अंदर का व्यास है ये 11 इंच है। ये देख लो भाई, इतनी बड़ी तोप है जो ये नाल है। और इसको चलाने के लिए जो गोला होता था उसका वजन 50 किलो है दोस्तों। और एक बार में चलाने के लिए इसके अंदर बारूद की जो आवश्यकता होती थी ना दोस्तों, इसके अंदर 100 किलो बारूद लगता था दोस्तों। 100 किलो एक बार गोला चलाने के लिए जो इसके अंदर बारूद डलता था ना, वो 100 किलो डलता था। और दोस्तों मनाने के बाद ये एक टाइम ही चलाई गई है अभी तक, जब ये बनी थी तब इसका गोला 30 किलोमीटर यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर जाके गिरा था दोस्तों। और जहाँ इसका गोला गिरा था वहाँ तालाब बन गया था भाई दोस्तों। ये देखो किले का नज़ारा, जो सामने आपको ये दिखाई दे रहा ना पानी इकट्ठा, यहाँ पर बरसात का पानी इकट्ठा होया करता दोस्तों, जो उस समय घोड़े यात्रियों को पिलाने के काम आता था, पानी संग्रह किया जाता है इसके अंदर। और ये टीन तो ये देख लो, अभी टीन टन लगा रखी है ये, यहाँ से नज़ारा देखो भाई, बहुत ही अच्छा और सुंदर किला है दोस्तों ये। इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर और चौड़ाई 1 किलोमीटर के आसपास है दोस्तों इस किले की, बहुत ही अच्छा किला है। चलो आपको दिखाते हैं चल के, नज़ारे देखो भाई। कैमरे में तो जो कुछ है वो कैद नहीं हो पाता, जो यहाँ पर रियल आने के बाद जो अनुभव और जो देखने का नज़ारा वो एक अलग नज़ारा होगा दोस्तों। फिर भी कोशिश करूँगा मैं आप सभी को, ये देखो किले से बाहर का नज़ारा देखो आप, ये अपने मेन गेट से एंट्री की थी हमने, अभी ये देखो ये अंदर घूम के देखेंगे आपको सभी दिखाएंगे। इसके अंदर भाई गुप्त रास्ता है एक, जो अपना जो आमेर का किला नहीं है उसके अंदर जाता था भाई गुप्त रास्ता। बताते हैं जब आपातकाल में राजा परिवार के वो लेके आते थे वहाँ से कोई, अगर आपातकाल में, तो इसके अंदर गुप्त रास्ता है जो जयगढ़ को और जो आमेर के किले को जोड़ता है भाई आपस में। ये देखो भाई ये कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ से, अभी दिखाते हैं आपको। ये देखो वो है आमेर का किला जो हमने दिखाया था, उसकी वीडियो हमने पहले से ही डाल रखी है। ये देखो भाई बहुत ही अच्छा किला है दोस्तों, बहुत बड़ा विशाल किला है ये। यहाँ पर ये आमेर के किले की रक्षा के लिए बनाया गया था, यहाँ पर उनकी फौज सेना ये चीज़ें होती थी भाई जयगढ़ के किले के अंदर। ये देखो भाई यहाँ इससे व्यू देखो, ये इसके अंदर एक म्यूजियम है दोस्तों। ये देखो जहाँ उस समय में जो राजा के सिपाही हथियार यूज करते थे, हेलमेट हथियार डाल वो चीज़ें रखी हुई हैं दोस्तों। चलो आपको क्विक रिव्यू दिखाते हैं इसका, यहाँ ये छोटा म्यूजियम है, इसके अंदर पुराने अस्त्र तोप ये चीज़ें हैं। चलो आपको दिखाते हैं, देखो इंजॉय करो आप। ये देखो तीर ढाल ये तोप, और जो लड़ाई के समय जो वस्त्र पहनते थे वो है ये कवच बोलते हैं इसको, ये कवच। ये देखो भाई उस टाइम यूज होने वाली हथियार औजार यानी कुल्हाड़ी, ये बंदूकें। अब देखो कितनी लंबी लंबी नाल की बंदूकें हैं दोस्तों, ये बहुत प्राचीन पुरानी बंदूकें हैं दोस्तों। ये तोप हैं, ये बंदूकें हैं, ये म्यूजियम है दोस्तों। ये उनका वो बोलते हैं जो
गोला बारूद की यहाँ पर वो थी, ये जो तोप भी बनी है इसी के अंदर बनी है, जहबान तोप भी इसी किले के अंदर। ये देखो भाई तलवारें, बहुत कुछ है दोस्तों देखने का यहाँ पर, आओगे तब पता लगेगा। आओ यहाँ देखो क्या क्या देखने का। देखो ये जो उस टाइम पे यूज होने वाली तलवारें हैं भाई, देखो और ये है जहबान तोप का गोला भाई, वजन जिसका 50 किलो, ये है वो तोप का गोला, ये तीर तरकस वो चीजें। राजस्थान में आए और ऊंट की सवारी नहीं की तो कुछ भी नहीं किया भाई दोस्तों। कैंपबेल राइड का भी मजा लेना चाहिए दोस्तों, देखो कितना अच्छे से सजाया हुआ है ऊंट। ये देखो भाई ऊंट की सवारी करनी चाहिए भाई राजस्थान में, एक बार आओ तो। ये उस समय यूज होने वाले कूलर हैं भाई दोस्तों, कूलर गर्मी उस समय भी होती थी भाई, इसलिए गर्मी से बचने के लिए कूलर है। और इनमें राजा चावल बनाते थे भाई इनमें, ये देखो। ये देखो भाई वो सामने जो तालाब दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो भी इस महल में पानी पहुंचाने का काम आता था भाई, वहां से पानी यहाँ पर ये दिखाई दे रहा ना जो आपको यहाँ महल के, और यहाँ से महल पूरे महल में सप्लाई होती थी उस पानी की, पानी वहां से पानी के लिए यूज होता था दोस्तों। ये देखो किला पूरा, चलो आपको दिखाते हैं पूरा घूम के। ये देखो भाई ये इसके अंदर पार्क है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों इसके अंदर घूमने में, बहुत सुंदर है ये देखने में, बड़ा आनंद आवा है। चलो आपको घुमाते हैं इसके अंदर पूरे के अंदर, ये देखो पूरी सैर कराएंगे दोस्तों, जितना पता होगा मेरे को उतना मैं बताता रहूँगा, बाकी आप नेट से सर्च कर लेना भाई इसके बारे में जो कुछ भी है, जितना मेरे को पता होगा आप लोगों को बताएंगे दोस्तों सभी को। ये देखो जो ये बाउंड्री दिखाई दे रही है ना आपको, ये किले के चारों ओर है भाई, इस किले के चारों ओर नहीं, जो महल वो अमेरिका किला ना उसके चारों तरफ को ये बाउंड्री है, उस किले की सुरक्षा के लिए बनाया गया था दोस्तों इस किले को। ये देखो वो तालाब भी, इसके पानी की आपूर्ति पूरी होती थी उसके, ये व्यू देखो दोस्तों, वो नीचे अमेरिका किला और ये बाउंड्री, यहाँ से सिपाहियों की ड्यूटी लगती थी भाई बाउंड्री के चारों तरफ, उस समय में उनको जो संदेश देना होता। ये देखो भाई दोस्तों देख लो दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला दोस्तों ये, और ये है अमेरिका किला, वो नीचे देख रहे हो जो अमेरिका महल, इससे जाने के लिए गुप्त रास्ता है दोस्तों इसके अंदर, अभी बंद है वो। ये देखो अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी दोस्तों इस चैनल पर।